हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको चिकन स्टर फ्राई की रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। चिकन स्टर फ्राई के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है, जिसको मैंने धो के साफ करके रख लिया है। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। और मसाला के लिए मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है, एक चम्मच मिर्ची पाउडर है, नमक टेस्ट के अनुसार ले लेंगे, और एक नींबू का रस ले लेगा, और दो चम्मच तेल। ये कुकर में हम सब एक साथ डाल देंगे। पहला चिकन डालेंगे, हल्दी मिर्ची नमक डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, दो चम्मच तेल डाल देंगे इसमें, नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस से चिकन हमारा सॉफ्ट रहेगा बहुत। और इसको हम अभी अच्छा मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे। इसमें हमको 4-5 सीटी लगाना है और उसके बाद में हम बंद कर देंगे, हमारा चिकन पक जाएगा। सब मिक्स कर दिया है, अभी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे चिकन को। ये देखिए, मैंने सब मसाला इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। और हम उसको इसमें पानी नहीं ऐड करना है, चिकन का इतना पानी निकलेगा उसमें हमारा चिकन आराम से पक जाएगा। अभी हम इसको पकाने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, हमारा चिकन एकदम पक गया है। इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया था, इसमें थोड़ा सा पानी लग रहा है, वो भी हम इसमें हाई फ्लेम में इसको पका लेंगे, पानी ड्राई कर लेंगे। ये देखिए, पूरा पानी सूख गया है और ये हमारा चिकन बन के एकदम तैयार हो गया है। ये देखिए, हमारा चिकन स्टर फ्राई बनके तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी है, बहुत टेम्पटिंग भी लग रहा है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और चिकन भी बहुत सॉफ्ट हो गया है, आप इसको साइड डिश के तरह खा सकते हैं। और बहुत इजी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको पकने के लिए। चिकन स्टर फ्राई की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।